राजधानी के एक अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों का बोन ट्रांसप्लांट कर उन्हें नई जिंदगी दी गई। खास बात यह रही कि इन मरीजों में भारतीयों के साथ पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया के अलावा कई और मुल्क के मरीज शामिल हैं। ये सभी ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इनकी जान बचाने का एकमात्र जरिया था। इनमें से कई मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की हमारे संवाददाता अनु जैन रोहतगी ने। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जितने भी ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया है, मल्टीपल माइलोमा है, लिम्फोमास है, उन सब में क्योर कर देता है। एप्लास्टिक एनीमिया है, फ्रैंकोनी एनीमिया है, बहुत सारी बीमारियां। कितने अब तक आप इस हॉस्पिटल में कर चुके हैं? हम इस हॉस्पिटल में मोर देन 100 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, जिसमें हम मेजोरिटी ऑफ जो रिस्की ट्रांसप्लांट होते हैं डोनर से लेके एलोजेनिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं वो करते हैं।